गुरुदेव कृष्ण ही हैं, जैसे शक्ति और शक्तिमान अभेद है, एक ही है। जैसे किसी को कहो बलवान है ये, और उसमें बल ना हो तो बलवान होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब बल होना और बलवान होना एक ही बात है। जैसे किसी से कहो ये मैया जो बैठी है बोले बड़ी धनवान है, और पर्स में 5 रुपए ना हो तो धनवान कैसी? तो धनवान का मतलब इनके पास धन भी है और ये धन वाली भी है। तो ऐसे ही यदि आलादनी शक्ति है तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, वो शक्ति हैं, वो शक्तिमान हैं। ऐसे ही यदि संधिनी शक्ति में कृष्ण प्रकट होना चाहते हैं तो वो धाम के रूप में ही प्रकट हो। हमें धाम मिल गया, हमें धाम मिल गया तो समझो कृष्ण का एक रूप मिल गया। कृष्ण की संधिनी शक्ति वाला रूप हमें मिल गया। प्रिया जी मिल गई तो कृष्ण की अलादिनी शक्ति वाला रूप हमें मिल गया। और यदि गुरुदेव मिल गए, अच्छे अच्छे ग्रंथ मिल गए, तो समझो कृष्ण की ज्ञान शक्ति वाला स्वरूप हमें मिल गया। अब जैसे धाम तो मिल गया तो क्या सब कुछ मिल गया? क्यों जी? अब जैसे हमें ये भैया मिल गए, सोनू भैया है ना, सोनू भैया मिल गए, हम मिल तो गए, लेकिन हमें इनसे जो काम करवाना है वो हम इनसे निवेदन करें। पहले तो सोनू भैया का मिलना ही मुश्किल, बड़ी कृपा समझो कि मिल गई। फिर हमें पता चला कि ये बड़े काम के आदमी, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं उदाहरण के लिए, तो ये मिल तो गए हैं। तो मिल जाने से क्या ढोलक बज जाएगी? क्या आनंद आ जाएगा? क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? लेकिन ये भी कम नहीं है कि ये मिल गए हैं, ये मिले ही नहीं तो ढोलक कहां से बजेगी? अब ये मिल गए हैं, हमने मिला दिया, अब ये आपका काम है कि इनको आप सेट करो, इनकी अनुनय करो, इनकी विनय करो, इनसे प्रार्थना करो, इनको कैसे भी सेट करो कि प्रभु जी कैसे भी अब आपने ये मृदंग बचाना है। ये सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, भगवान का धाम है, कोई ऐसे कोई हमारा कोई कर्मचारी थोड़ी है, स्वतंत्र है, सर्वतंत्र है। धाम तो मिल गया, अब धाम से हम कहें हे धाम तुम कृपा करो, अपनी शक्ति दिखाओ और अपने जो शक्तिमान हैं उनके दर्शन कराओ, उनकी कृपा हमें प्राप्त कराओ। तो जब हम इनको प्रार्थना करेंगे तो कहेंगे हाँ बोलो भाई क्या चाहिए? बोले प्रभु बड़ी कृपा हो, आप ढोलक बजा के दिखा दो। तो ये काम बाकी, प्राप्ति तो हो गई, धाम मिल गया तो काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हो गया। जैसे आपने कोई जमीन खरीदनी है, 2 करोड़ की है, अभी पैसे ही नहीं है आपके पास, जमीन बहुत अच्छी है, बेचने वाला भी तैयार है, पैसे ही नहीं है 2 करोड़, लेकिन आज 2 करोड़ रुपए मिल गए आपको, शुरुआत हो गई। हम कहते हैं ना बस जी काम हो गया, समझो पै आ गए नहीं, बस कल जाके गल करांगे उदे नाल, होर की काम हो गया, जमीन अपनी हो गई समझो। तो ऐसे यदि आप धाम में आ गए, धाम की कृपा मिल गई, तो समझो कृष्ण की शक्ति तो मिल गई, अब कृष्ण की सेवा और कृष्ण की कृपा मिलनी है। उस कृष्ण की कृपा जो मिलनी है उसके लिए आप धाम को प्रसन्न करो। अब धाम को कैसे प्रसन्न करें? धाम को ऐसे ही प्रसन्न करो जो धाम के नियम हैं उनका पालन करो। धाम कैसे प्रसन्न होगा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी जगह, आप हवाई जहाज में जाओ, हवाई जहाज के नियमों का पालन करो, ट्रेन में जाओ, ट्रेन के नियमों का पालन करो, रोड पे
स्कूटर चलाओ तो हेलमेट लगाओ, प्रसन्न होगा सब। जो 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 कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण ने जो जो हमें नियम बताए हैं, गुरुदेव ने जो जो हमें नियम बताए हैं, उनका हम पालन करें, धाम प्रसन्न हो जाएंगे। धाम प्रसन्न हो जाएंगे तो पूछेंगे बेटा क्या चाहिए, बड़ी चाहिए क्या, धाम ही चाहिए, कृष्ण चाहिए, फिर कृष्ण भी प्राप्त हो गए, फिर कृष्ण भी प्राप्त है, सभी को प्राप्त है। आप माफ रखना, बड़ी गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी है कि भगवान को प्राप्त करना है। उनके लिए तो ठीक है जो कभी भजन नहीं करते हैं, वे व्यभिचारी हैं, कुविचारी हैं, असदाचारी हैं, उनको तो कृष्ण को प्राप्त करना। हम आप सब लोगों को तो कृष्ण प्राप्त है ना, ये राधा रमन जी कौन है, ये कृष्ण नहीं है क्या? हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, ये कृष्ण नहीं है क्या? क्यों पूजा कर रहे हो, क्यों घंटियां बजा रहे हो? कृष्ण तो प्राप्त है भाई, हर वैष्णव को प्राप्त है कृष्ण, नहीं है? यदि घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी लड्डू गोपाल नहीं है, काई को उठा रहे हो, काई को आरती कर रहे हो, क्यों उनकी सेवा पूजा भोग गरम गरम चपातियां भोग लगा रहे हो भाई, क्यों 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 नहीं? कृष्ण तो हमें प्राप्त, हर वैष्णव को प्राप्त है। जो जरा सा भी आया, जो मेरे से एक मजाक की सी बात है, मेरे से एक मैया बोली, फोन आया, बोले भैया जी दासा भास जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनका भैया मैं ज्यादा तो नहीं जानता, प्रश्न क्या? बोले नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर यदि दे देंगे तो मैं आज आपको कृष्ण दर्शन करा दूंगी। अरे मैंने कहा भैया तू बता, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। तो उसने एक प्रश्न पूछा, थोड़ा वैसा अंतरंग प्रश्न था, ठाकुर के विषय में ही था, तो मैंने उसको तपाक से जवाब दे दिया। मुझे कुछ गुरुदेव की कृपा समझो, मुझे पता था, मैं फोन बोले शाम तक बता दूं, शाम तक नहीं तो अभी सुन इसका जवाब, मैंने जवाब ये बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। अरे वाह प्रभु जी वाह, कमाल कर दिया। मैं 20 लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया, आपने बता दिया। मैंने कहा मैंने बता दिया तो मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ये बाई चांस है कि मुझे पता। तो वाह वाह वाह, मैं वाह वाह वाह, कृष्ण दर्शन तूने कहा था बता दोगे तो मैं कृष्ण का दर्शन करा दूंगी। बोले हाँ हाँ करा दूंगी शाम को। कैसे? बोले मैं आ जाऊंगी, उधर रमन रेती रहती थी अपना घर लोही बाजार में, बोले मैं आपके घर आ जाऊंगी शाम को 5 बजे, चलेंगे दोनों, राधा रमन जी दर्शन करा देंगे। उनके कृष्ण दर्शन, बोले ये राधा रमन जी क्या कृष्ण नहीं? बोलो प्रभु जी बोलो। मैंने कहा तू कह रही थी कृष्ण दर्शन, बोले कृष्ण दर्शन ही कराए करेंगे, मैं ले चलूंगी। अरे दिमाग एकदम ठनक गया, अरे तो इसने इतना बड़ा रहस्य खोल दिया। बिल्कुल सही, बोले नहीं आप या तो प्रूव करो कि राधा रमन जी कृष्ण दर्शन के बराबर नहीं है, प्रूव करो आप। मैंने कहा भैया ये तो तेरी बात सही है, बिल्कुल राधा रमन जी कृष्ण दर्शन ही है। बोले मैं आऊंगी। मैंने कहा आप तू रहने दे, अब तू क्या आएगी, मैं खुद ही कराऊंगा। अब तू क्या आएगी कृष्ण दर्शन राधा रमन जी के, मैं तेरे से, तू 4 किलोमीटर दूर है, मैं आधी किलोमीटर दूर हूं, मैं कराऊंगा। उस दिन एक गुत्थी खुल गई कि कृष्ण तो हमें प्राप्त है, ये जो घर में ठाकुर के श्री विग्रह हैं इनको अर्चा अवतार कहा गया। अर्चा अवतार, भगवान कृष्ण अर्चा के रूप में अवतार लेते हैं, अर्चा अवतार कहा गया। अवतार है अर्चा में, ग्रंथ में, संत में और गुरुदेव में, 4 जगह कृष्ण सदैव विराजमान रहे। ग्रंथ में, अर्चा अवतार में, संत में और गुरुदेव धाम में, ऐसे अनंत जगह, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन 4-5 में। तो हम जब जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण हम वैष्णवों को, कम से कम वैष्णवों को तो कृष्ण प्राप्ति ही है। ये एक आज दिमाग से वृंदावन से एक बात लेके जाना, कृष्ण की प्राप्ति तो हो चुकी है हमें। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर ये भजन घंटी, ये जप, ये माला, गुरुदेव की सेवा, अध्ययन, ये इसलिए प्राप्त हो गए, जीवन सफल हो गया, फिर किस लिए? नहीं,
हमारा प्राप्तव्य है कृष्ण सेवा या कृष्ण प्रेम, कृष्ण से हमें प्रेम हो जाए, कृष्ण के बिना हम जी ना पाए, कृष्ण के बिना हम खा ना पाए, कृष्ण के बिना हम रह ना पाए, कृष्ण के बिना हम कुछ ना कर पाए, ये कृष्ण प्रेम चाहिए। और ये कृष्ण प्रेम कृष्ण की सेवा करने से ही मिलता है। तो जो अच्छा अवतार हैं उनकी सेवा करें, घर में जो ठाकुर हैं वृंदावन आए तो राधा रमन जी के दर्शन करें, बिहारी जी के दर्शन करें, राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, दूसरे दूसरे और जो भी हैं, गोविंद जी हैं, राधा दामोदर हैं, श्याम सुंदर हैं, बहुत बहुत वृंदावन तो मंदिरों से भरा पड़ा है, यहाँ तो कृष्ण के ही अनेक रूप हैं। इसमें ऐसा भी भेद नहीं करना है कि हम तो राधा रमन जी जाते हैं, हम बड़े अनन्य। अरे ये कृष्ण जैसे जैसे आपकी इस मैया की बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, सूट की फोटो, साड़ी की फोटो, मेकअप की फोटो, बिना मेकअप की फोटो, अकेली फोटो, पति के साथ की फोटो, जैसे 20 फोटो हैं, तो वही है। ये बिहारी जी भी वही कृष्ण है, ये राधा रमन जी भी वही कृष्ण है, ये राधा वल्लभ भी वही कृष्ण है, अलग 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 हमारे कृष्ण की फोटो है। गोविंद भी वही है, गोपीनाथ भी वही है, राधा रमन भी वही है। तो कभी ये भेद बुद्धि ना रखे, और ये आवश्यक भी नहीं कि सारी फोटो देखी जाए, एक फोटो से ही मन लगा लो, किसी एक फोटो से मन लगा लो और उसी से ही प्रार्थना करो कि हे कृष्ण अपनी चरण सेवा दे दे तू, अपनी चरण सेवा दे दो, और अपनी चरण सेवा कृष्ण दे देते हैं प्रसन्न हो के। आप देखो किसी की भी सेवा करो, एक आम आदमी से भी आप कुछ मांगो सेवा करके तो वो भी दे देता, वो तो भगवान है। जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। जब हम लोग आप लोग एक कोई हमारे कर्मचारी हो, हमारे सेवक हो, ना भी हो सेवक, एक कोई हमारा एक रिक्शा वाला ही हमारी सेवा करता है, यहाँ से वहां तक ले जाता है, वो 100 रुपये मांगता है तो हम दे देते हैं, तुरंत देते हैं कि नहीं देते। जब हम दे देते हैं और भगवान की हम सेवा करेंगे तो भगवान हमें क्यों नहीं देगा अपनी चरण से, भगवान अपनी कृपा हम पर क्यों नहीं करेगा, अवश्य करेगा, वो तो बैठा ही हुआ है। हम भूले हैं भगवान को, भगवान हमें नहीं भूला। एक संत कह रहे थे एक बार, किसी ने पूछा बाबा ये ठाकुर जी खड़े क्यों रहते, ज्यादातर आप देखें कृष्ण विग्रह और ज्यादातर विग्रह जो है खड़े हुए। बोले ये हमारी इंतजार में खड़े हैं कि इतने सारे जीव मैंने अपनी सेवा अपनी भजन के लिए संसार में भेजे, ये आप क्यों नहीं रहे हैं। जैसे किसी ने आना हो तो हम खड़े रहते हैं, भाई आन वाले ने खड़े हो जाते हैं, अरे बैठे रहो आना तो ये आ जाएंगे ना, खड़े हो जाते हैं। बोले ये सब विग्रह इसीलिए खड़े हैं कि ये जीव कब आएगा, वो नहीं भूले हमें, हम भूल गए। उन्हें तो याद है, पहुंचते ही वो तुरंत हमें पकड़ते हैं, आ जा बेटा आ जा, तुरंत आकर्षित करते हैं किसी न किसी तरह से, कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ ऐसी विधा, ऐसा कोई आकर्षण, ऐसा कोई चमत्कार दिखा के आकर्षित करते हैं कि आ जा भाई आ जा, अरे एक और आ गया, आज मेरा एक बच्चा और भूले भटके से आ गया, मैंने अपने लिए भेजा था, कहाँ कहाँ भटक रहा था, अरे आ गया, आ जा बेटा आ जा बेटा आ जा, पकड़ते हैं। इसलिए खड़े हुए कि मैं बैठा रहूं, खड़े होते तक कहीं निकल गया, इसलिए खड़े हुए। तो कृष्ण भूले नहीं हैं, हम भूले हैं, और कृष्ण की सेवा से ही कृष्ण प्रसन्न होंगे और अपने चरण की सेवा दे देंगे। शुरुआत धाम से होगी, धाम से होगी, धाम की प्राप्ति नाम से होगी, नाम की प्राप्ति संतों से होगी, ग्रंथों से होगी, सतगुरु से होगी, किसी भी तरह से होगी। तो धाम में आप लोग आए हैं, धाम का आश्रय लीजिए, अंदर ही अंदर फील कीजिए कि कृष्ण के जो 3 स्वरूप हैं, आलादनी शक्ति प्रिया जी, संविद शक्ति गुरुदेव, और ग्रंथ
और संदीरी शक्ति धाम बोले 33% कृष्ण तो हमें आज मिल गई, संदीरी शक्ति वाले कृष्ण हमें मिल गए और हम यदि ईमानदार हैं तो ये सही बात है कि हर महीने की 1 तारीख को हम आए, 1 को ना आए, 5 को आए, 2 को आए, 8 को आए, धाम में आए, दर्शन करें, धाम के नियमों का पालन करें, यहाँ नाम करें, भजन करें, संतों से मिलें, प्रसाद पाएं, सदाचरण से रहें, सत्य बोले, राग द्वेष से रहित रहें। धाम में आके भी हम राग द्वेष करें, उनको छोड़ा है वहीं, यहाँ आके निर्मल हो जाए। किसी ने कहा तूने अच्छा नहीं किया, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, चलो जिस तरह तो सीखा वो हो गया, ऐसे एकदम ऊपर ऊपर से, यह नहीं कि अच्छा क्या है, अच्छा है क्या, अच्छा नहीं किया है क्या, नहीं किया क्या, क्या है क्या, मतलब क्या है तेरा नहीं बिल्कुल अकड़ना अटकना है ही नहीं यहाँ आके। यहाँ एक अलग तरह की फीलिंग लेके आना है, धाम में प्रवेश करते धाम की रथ को मस्तक से लगाएं, धाम को प्रणाम करें, ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से, उन वैष्णवों की कृपा से, हमारे किशन भैया जैसे आप सबको लेके आए हैं, सब लेके आए, जो जो लोग मैं नहीं जानता कौन कौन लोग लेके आए हैं, उनके सहारे हम सब लोग यहाँ आए हैं, कुछ सुने, कुछ समझें, कुछ कंसेप्ट क्लियर करें और ये सोच के जाएं कि कुछ प्राप्त करके जा रहे हैं।